मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम के चलते श्योपुर नहीं पहुंच सके। उन्होंने फोन पर ही सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि ग्वालियर में बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर श्योपुर के लिए नहीं उड़ सका, लेकिन मैं इसी चुनावी अभियान में श्योपुर जरूर आऊंगा। शाह ने फोन पर अपने छोटे संबोधन में कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। 2003 से 2023 तक भाजपा ने एमपी को एक बेमारू राज्य से एक बेमिसाल राज्य बनाया है। उन्होंने जनता से जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने की अपील की। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की पहली संयुक्त सार्वजनिक रैली के बाद यह बैठक होनी है। प्रदेश में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूत्रों ने कहा कि अगली बैठक आयोजित करने के विकल्प पर मुंबई में विपक्षी दलों की हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई थी। इसमें भोपाल में बैठक करने पर सहमति थी, लेकिन कोई तारीख तय नहीं की गई थी। साथ ही इसके तौर तरीकों पर काम नहीं किया गया था। भोपाल में एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई। उन्होंने अपनी स्पीच अंधेरे में पूरी की और प्रदेश में बिजली की कमी पर भी अपनी बात रखी। दरअसल दिग्विजय सिंह भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित नर्मदा भवन में शिक्षक कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। यहां डीपी राय की पुस्तक भारत की आजादी विद्रोहों और सुधारों की गाथा का विमोचन भी हुआ। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित भी मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ समारोह में नहीं बुलाए जाने से अपनी ही पार्टी भाजपा से नाराज हुए पूर्व सीएम उमा भारती के प्रति कांग्रेस नेता विधायक कांतिलाल भूरिया ने हमदर्दी जताई है। भूरिया ने कहा, उमा भारती सही कह रही हैं, वे बहुत संतुलित बात कहती हैं। भाजपा ने उनका शोषण किया है, उन्होंने कई त्याग किए और सरकार बनाई, भाजपा ने उन्हें मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंचे। मुख्यमंत्री चौहान ने मंच से दिए संबोधन के दौरान मंडला मेडिकल कॉलेज की भूमि को वन विभाग से अनुमति मिल जाने की जानकारी देते हुए जल्द भूमि पूजन किए जाने की बात कही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।